नमस्कार, प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी कपूर। चमकते दमकते सितारों का काफिला है विरासत, और आज विरासत में जो सितारा हम सबके बीच मौजूद है उसका अंदाज सबसे अलग है। मौसीकी की दुनिया का जाना माना सितारा और तबले का जादूगर, हम बात कर रहे हैं प्रसन्नजीत अधिकारी की। राग धुन और बंदिशों का सुंदर तालमेल और तबले की थाप पर उंगलियों की करामात दिखाते ये हैं प्रसन्नजीत अधिकारी। प्रसन्नजीत को बचपन से ही संगीत में माहौल मिला। 5 साल की छोटी सी उम्र में पिता तपन कुमार अधिकारी से प्रसन्नजीत ने तबले के गुर सीखना शुरू कर दिया। पिता से शिक्षा लेने के बाद साथ मिला संगीत के क्षेत्र की जानी मानी हस्ती स्वर्गीय पंडित विभूति भूषण भट्टाचार्य और पंडित स्वराज भट्टाचार्य का। इसके बाद तो प्रसन्नजीत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तबले को ही ईश्वर तक पहुंचने का जरिया मान चुके प्रसन्नजीत आज लखनऊ घराने की शोभा बढ़ा रहे हैं। AIR और दूरदर्शन के ए ग्रेड आर्टिस्ट प्रसन्नजीत अधिकारी आज की पीढ़ी के लिए मिसाल हैं। संगीत साधक और तबला रत्न सम्मान से नवाजे जा चुके प्रसन्नजीत का संगीत का सफर यूं ही जारी रहे और उन्हें चाहने वालों का प्यार बदस्तूर मिलता रहे, यही हमारी शुभकामना है। और हमारी खुशकिस्मती है कि आज प्रसन्नजीत जी हमारे साथ विरासत में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रसन्नजीत जी आपका विरासत में। नमस्ते मैम। सबसे पहले तो कार्यक्रम की शुरुआत करें इसके पहले दर्शकों के लिए कोई एक छोटी सी धुन या फिर राग सुना दीजिए। मैं एक 3 ताल के ऊपर एक छोटा सा मैं कंपोजिशन सुना रहा हूं मैं। जरूर। प्रसन्नजीत जी, तबले से आपका ताल्लुक है, बेहद ही हसीन साज है, किस तरह से तबले को अगर बखान करने को कहा जाए तो कैसे वर्णन करेंगे? मैम, किसको इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए इस बारे में तो अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैम सुनिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही कठिन चीज है, ये हर रोज आपको कम से कम 4-5 घंटा प्रैक्टिस करना चाहिए। इतना अगर टाइम दे पाएंगे तो ही आपको इस फील्ड में आना चाहिए। और देखिए, हम लोग एकदम 5 इयर्स उम्र से मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरे घर में सभी गाना बजना करते हैं और मेरा पापा मतलब बहुत ही फेमस तबला प्लेयर है, उनका इच्छा था कि मैं बजाऊं। बचपन से उन्होंने मेरे को
तो ये मेरा शुरुआत करवा दिया था। उसके बाद धीरे 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 चल रहा हूँ मैं। तो इसीलिए अगर आजकल का मतलब आज के दिन में देखा जाए तो बच्चे के पास इतना टाइम नहीं होता है, बोलता है ये करना है वो करना है। कोई भी एक चीज हर चीज में जाने से कोई मतलब आपको ये सफल नहीं मिल सकता है मैम, क्योंकि एक कहावत है जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नॉन मैम। तो बिल्कुल इसीलिए एक ही चीज को लेके ये बहुत लेंदी प्रोसीड्यूर है मैम, तो हाँ एक ही हाँ चीज को लेके अगर चलेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ तो। तो शुरू से जब आपको पता था कि इतना वक्त देना है, इतना कठिन साज है, जिस तरीके से आपने कहा कि बहुत ही शिद्दत चाहिए इसको सीखने के लिए, कैसे रुझान हुआ फिर इस ओर? नहीं एक्चुअली जिस टाइम हमने शुरू किया था उस टाइम तो हम लोग का इतना कठिन है ये इतना तो पता नहीं था, लेकिन पापा का इच्छा था, हम लोगों को बचपन बचपन से शुरू करवा दिया था। लेकिन बहुत इसके लिए मार भी पड़ा हम लोग, अगर टाइमली नहीं करते थे कितना जी घंटा प्रैक्टिस किया है। अगर मैं मान लीजिए मैं सो गया था किसी दिन जी और पापा रात को आप कितना दिन कितने घंटा प्रैक्टिस किया, नहीं किया उसको उठाओ थोड़ा जी जी मिल जाता था हाँ, दो तो बेहद ही सख्त चार रहे हाँ पिताजी गुरु तभी हम के लोग तौर जो पे। सभी मैम हम लोग जितना कि घर में हमारे और हम लोग फोर ब्रदर्स सिस्टर्स हैं मैम, तो सारे एक्चुअली क्या है ना बहुत ही उनका गाइडेंस मिला तभी हम लोगों को कुछ हुआ। अदरवाइज हम लोगों का कोई अपना शौक से तो हम शुरू नहीं किया था, मार मार के नहीं करना है। जी और एक्चुअली घर में मैं ही प्रोफेशनली इसको लिया हूँ, बाकी सब हाई एजुकेटेड है मैम ये लोग, वो मेरा मेरी बड़ी सिस्टर लॉयर है और सब नौकरी करते हैं, गाना जी बजाना शौक से करते हैं, लेकिन मैं ही प्रोफेशनल का मैं प्रोफेशनल माइंडेड हूँ तो ये कब ये। सोचा कि प्रोफेशनल प्रोफेशनली लेना है तबले को? सोचा मतलब सोच के तो नहीं गया, हो गया धीरे धीरे मैम। अच्छा एक्चुअली मैं पहले एक 10th पास करने के बाद मैं PSC एग्जाम होता था, उसमें टाइप स्टेनो का नौकरी मिल गई थी स्टेट गवर्नमेंट, एक राइटर्स बिल्डिंग है उसमें। जी तो देखा वो मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, 8 घंटे एक जगह बाधा रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तो मैं जी क्या किया हूँ पापा को आके बोला पापा ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा क्योंकि 8 घंटे एक जगह में बंद रहना। बोले नहीं बेटा मैं कभी आपसे पैसा नहीं मांगूंगा कि आप फैमिली के लिए पैसा दो, जी आप जो करना चाहते हो करो, लेकिन क्या है जो डिसाइड करोगे वही करना है आपको, ये नहीं है कि फिर आप ट्रैक चेंज करके दूसरा कुछ करोगे, ये नहीं चलेगा। अगर मान लो म्यूजिक करने के लिए आप सोच रहे हो तो मतलब फुल्ली डिवोटेड होना पड़ेगा तभी आप कर सकते हो। चलिए मैं ट्राई करता हूँ, तो करते 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 आज तो हो ही तो गया। फिर ऐसा क्या है कि 8 घंटे आप वो नौकरी नहीं कर सकते, लेकिन 4-5 घंटे रोज रियाज कर सकते हैं और इस क्षेत्र में आज इतना वक्त आप हर रोज दे सकते हैं? मैम क्या है ना एक्चुअली मैं इसमें इंटरेस्टेड धीरे धीरे इंटरेस्ट इतने क्रिएट हो गया था कि मेरे को अच्छा कुछ नहीं लगता था उस टाइम। मेरे को लगा नहीं म्यूजिक ही मेरे लिए ठीक है, क्योंकि देखता था मैं नौकरी करके देखा कि सुबह जाओ शाम को आओ, उसके बाद कोई मतलब आइडेंटिटी नहीं है मैम। तो मैं देखा कि इसमें कोई प्रोग्राम में जा रहा हूँ उसमें उसके पहले प्रीव्यू उसके बाद रिव्यू निकलता है, बड़ा बड़ा पोस्टर में नाम आता है पिक्चर समेत, तो मान लो चलिए ये लाइन ही ठीक है, कम से कम तो पॉपुलैरिटी मिल जाएगी कम से कम इस तो वजह से। बाद में रुझान जगा तबले की ओर, लेकिन शुरुआती दौर में क्या पिताजी का जो माँ साथ? पिताजी का मैम बिल्कुल, अदरवाइज तो हमारा ये अब जितना चल रहा है वो भी नहीं हो पाता था मैम, ये सब ही पापा का मेरा देन है क्या बताऊँ। और ज़्यादा पब्लिसिटी मिले और अपनी खुद की पहचान हो, नाम हो, हाँ ये बड़ी वजह ये रही बड़ी बात तबले थी मैम। में आने की। आने वाली पीढ़ी को क्या आप संदेश देंगे जो इस ओर आना चाहती है और तबले में करियर बनाना चाहती है? मैम देखिए मैं यही पहले आपको बोला कि पहले आपको डिसाइड करना है कि आजकल का जो है मैम यंग पीढ़ी जो है वो चाहते हैं कि सब कुछ थोड़ा 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 करें, लेकिन उसमें कोई मेरा जो जितना देर तक मतलब सोच है हर चीज़ करने से नहीं होगा मैम। कोई भी एक पढ़ाई के साथ साथ कोई भी एक एक्टिविटी में एकदम फुल्ली इन्वॉल्व होना चाहिए तभी कर सकता है। और बहुत सारे जैसे मैं भी बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट्स है जो आज के दिन में नौकरी कर रहे हैं, वो लोग फुल स्टेब्लिश्ड है तो कर रहा है मैम, आजकल का पीढ़ी भी कर रहा है, लेकिन क्या है इतना हम लोग जितना प्रैक्टिस किया वो इतना नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसको इधर उधर भागना दौड़ना ये सब बहुत कुछ करना होता है, लेकिन अगर जो मन से करेंगे तो होगा, ये सीधी सी बात है जी, तो पहली मैम, परफॉर्मेंस जब आपने दी थी स्टेज पे, है ना। क्या एज रही? मैम मैं 1967 में मेरा बर्थ जो है 1967, तो मैं फर्स्ट 72 में
एक ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आया था, उसका परफॉर्मेंस मैं दिया था स्टेज में, ये 1972, तो सोचिए कितना एज, बहुत बहुत ही छोटी सी उम्र थी। कुछ याद आता है क्या उस वक्त सुनाया था आपने स्टेज पे, क्या परफॉर्मेंस दी थी? थोड़ा बहुत तो याद है मैम, तो कुछ सुना दीजिए। मैं थोड़ा सुना रहा हूँ, जैसे तीन ताल में कुछ, जैसे इसका कंपोजिशन होता है तीन ताल टुकड़ा गत चक्रधार, तो एक उस जो बजाया था मैम उस टाइम में, थोड़ा याद है, मैं एक टुकड़ा आपको सुना रहा हूँ मैम। छोटे प्रसन्न जीत ने बजाया था वो भी क्या इतना ही बेहतर और अच्छा था जैसे आज बजाया है? शायद नहीं था अभी तो उस टाइम का क्या मेरा परफॉर्मेंस था अभी मेरे को पता नहीं, याद नहीं है, तो शायद नहीं हो सकता है। लेकिन क्या है मैम, इंटरेस्टेड बहुत थे और कहीं भी चले जाते थे, कहीं से बुला दादा हमें चलो ठीक है जाना है, पापा को भी साथ लेके चलते थे, पापा हमारे लिए बहुत कुछ किया है, मतलब कहीं भी लेके जाना कुछ भी करना, चलो अगर नहीं आप बाहर बजाओगे तो कुछ नहीं होगा, पापा का मतलब जो हमारे पीछे बाबा पापा ने टाइम दिया है भी, मैं बहुत ही जाहिर सी बात है। और वैसे भी पहले गुरु तो आपके वो ही थे, पिताजी थे, उसके बाद दो गुरु और हैं जिनसे आपने शिक्षा दीक्षा ली, तबले में आगे बढ़े आप, कैसे मिलना हुआ और कैसे मिला है सुनिए। जब मेरा पापा जब तबला सीखते थे गुरु के पास, विभूति भूषण भट्टाचार्य जो आपने नाम लिया पहले मैम, तो फैमिली का जो प्रेशर है इस वजह से ना पापा का धीरे 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 धीरे, हम लोग चार भाई बने थे तो पैदा होने के बाद पापा धीरे 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 ना बोल रहे थे नहीं हमारे लिए तो मुश्किल हो रहा है, मैं नहीं आ पाऊंगा गुरुजी। तो उन्होंने बोला देखिए आपका जब बेटा जो ये 4 साल का होगा तब मेरे पास लेके आना। तो पापा को जो गुरुजी थे लेट विभूति भूषण भट्टाचार्य जी, उनके पास तब पापा 4-4 प्लस में ही लेके गए थे, बोला आपने जैसे बोला था मैं मेरे बेटे को लेके आया हूँ, जो करना है आप कीजिए, बस इसी। तो पहले गुरु से कैसे मुलाकात आपकी हुई ये हमने जान लिया, और आगे भी और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा आपका सफर रहेगा, रहा सफर, इन सभी के बारे में जानेंगे। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।